अब विपक्षी एकता को धार देंगे जेडीयू के बागी नेता शरद यादव। क्या शरद यादव ने विपक्षी खेमे में जाने का मन बना लिया है? लगता है शरद यादव ने विपक्षी खेमे में जाने का मन बना लिया है। जेडीयू से नाराज चल रहे शरद यादव महागठबंधन टूटने के बाद से जिस तरह बगावती तेवर बनाए हुए हैं, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो विपक्ष के साथ ही रहेंगे। लेकिन विपक्ष की एक कमेटी के संयोजक बनाए जाने के साथ ही ये साफ हो गया कि वे अब पूरी तरह से विपक्ष के हो गए हैं। दरअसल देश की साझा विरासत को बचाने के लिए विपक्षी पार्टियों की एक कमेटी बनाई गई है। 14 दलों की इस कमेटी का संयोजक जेडीयू के बागी नेता शरद यादव को बनाया गया है। इस कमेटी में शामिल ज्यादातर नेता वे ही हैं जो दिल्ली में शरद यादव के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये कमेटी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की पहल भी करेगी। इस कमेटी में जिन नेताओं को शामिल किया गया है उनमें कांग्रेस के आनंद शर्मा, आरजेडी के मनोज झा, सीपीएम के सीताराम येचुरी, एसपी के रामगोपाल यादव, एनसीपी के तारिक अनवर, आरएलडी के जयंत चौधरी प्रमुख हैं। इसके अलावा बीएसपी, टीएमसी, जीएमएम, झारखंड विकास मोर्चा के नेताओं को भी शामिल किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने भी इस बात पर सहमति जताई है कि शरद यादव विपक्षी एकता में अहम भूमिका निभाएं। कांग्रेस से हरी झंडी मिलने के बाद ही इस कमेटी का गठन किया गया है। खबर है कि इसी कमेटी के बैनर तले हर महीने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा ताकि विपक्षी एकता को मजबूत किया जा सके। इतना ही नहीं, जिस तरह 17 अगस्त को दिल्ली में साझी विरासत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसी तर्ज पर देश के बाकी राज्यों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विपक्षी खेमे में जाकर शरद यादव ने तो अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, लेकिन विपक्ष को एकजुट करने के अपने इरादों में वो कहां तक कामयाब होते हैं, इसका पता तो आने वाले दिनों में ही लग पाएगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।